उत्तर प्रदेश के खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूं। आइए जानते हैं आज दिन भर से निकल के आ रही सभी बड़े महत्वपूर्ण और सीएम योगी द्वारा किए गए सभी बड़े ऐलानों को। उससे पहले इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक जरूर कर दें। उत्तर प्रदेश में अडानी करने जा रहे हैं हजारों करोड़ रुपए का निवेश, जल्द होगा काम शुरू। जी हाँ, बता दें कि उत्तर प्रदेश में अरबपति बिजनेसमैन गौतम अडानी की कंपनी बड़ा निवेश करने जा रही है। अडानी ग्रुप की कंपनी यूपी के नोएडा में एक डाटा सेंटर बनाने जा रही है। इसके लिए कंपनी ने कर्ज भी ले लिया है। आज अडानी इंटरप्राइजेस ने जानकारी दी है कि 213 मिलियन डॉलर का कर्ज इंटरनेशनल बैंक से लिया गया है। बताने की यह प्रोजेक्ट के साथ ज्वाइंट वेंचर में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ, चंडीगढ़, मथुरा समेत चार जोड़ी ट्रेनें 30 जून से रहेंगी निरस्त। रेल यात्रियों की बढ़ेंगी मुश्किलें। जी हाँ, बता दें कि रेलवे प्रशासन ने यात्री सुविधा को बेहतर बनाए जाने के मकसद से उत्तर रेलवे के मुरादाबाद मंडल के एंगवा स्टेशन पर लूप लाइन के निर्माण का काम कराएगा। इस दौरान नॉन इंटरलॉक के कारण लखनऊ चंडीगढ़ समेत चार जोड़ी ट्रेनें 30 जून से 4 जुलाई तक निरस्त रहेंगी। वहीं 3 ट्रेनें रोक कर चलाई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में ओघरनाथ मंदिर में अमर्यादित वस्त्र पहन कर आने पर रोक, बैनर लगा कर की गई है ये अपील। दरअसल अब मेरठ की ओघरनाथ मंदिर में भी भगवान के दर्शन और पूजा अर्चना करनी है तो श्रद्धालुओं को मर्यादित कपड़े पहनकर ही मंदिर में प्रवेश मिलेगा। अमर्यादित कपड़े पहनकर जाने पर मंदिर में रोक लगा दी गई है। जो श्रद्धालु अमर्यादित कपड़े पहनकर मंदिर में जाएंगे तो उनको बाहर से ही दर्शन करने होंगे। दरअसल बालाजी मंदिर में यह व्यवस्था पहले की गई थी, अब ओघरनाथ मंदिर में भी बोर्ड लगाकर यह व्यवस्था कर दी गई है। ओघरनाथ मंदिर में बोर्ड लगाकर श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वह मंदिर में मर्यादित कपड़े पहन कर ही आएं। उत्तर प्रदेश में प्रदूषण रोकने को हर जिले में होगा नंदन वन। पीपल, पाकड़, इमली व आम समेत औषधीय महत्व के लगेंगे पौधे। जी हाँ, बता दें कि जलवायु परिवर्तन के बढ़ती चुनौतियों से निपटने और प्रदूषण से निपटने को वन विभाग तैयारी कर रहा है। जुलाई में होने वाले वृहद पौधारोपण में इस बार हरितिमा संवर्धन के प्रति सजगता उत्पन्न करने के लिए सभी जिलों में एक एक नंदन वन तैयार किया जाएगा। इसमें सघन पौधारोपण किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि नंदन वन शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम के साथ ही उसके नियंत्रण व लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने में सहायक सिद्ध होगा। वहीं वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने इसे सभी जिलों में तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद बरेली मंडल में भी इसे लगाने के लिए स्थान का चिन्हांकन किया जा रहा है। उमेश पाल कांड में शामिल अशरफ का साला सद्दाम दुबई से लौटा, पत्नी जैनब फातिमा भी दिल्ली में हुई ट्रेस। जी हां, आपको बता दें कि माफिया आतिक अहमद के बेटे असद समेत उमेश पाल कांड के शूटरों को बरेली जेल में ले जाने वाला अशरफ का साला सद्दाम दुबई से लौट आया है। यूपी पुलिस को इसका सटीक इनपुट मिल गया है। अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा की लोकेशन भी दिल्ली में ट्रेस हुई है। ऐसे में एसटीएफ और पुलिस की एक टीम आनंद फानंद दिल्ली रवाना हो गई। मामले में यूपी पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट अथॉरिटी से संपर्क साधा है। पुलिस को आशंका है कि दिल्ली में सद्दाम सबसे पहले अपनी बहन जैनब से मिलेगा। बता दें कि 1 लाख का इनामी सद्दाम यूपी पुलिस की वांटेड लिस्ट में शुमार है। उस पर बरेली में भी कई मामले दर्ज है। उत्तर प्रदेश में बकरीद की कुर्बानी के लिए नया नियम जारी, अवशेष ले जाने के लिए करना होगा ये काम। जी हाँ, आपको बता दें कि अलीगढ़ में बकरीद पर दी जाने वाली कुर्बानी को लेकर मिश्रित आबादी के लिए नगर निगम ने एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसमें कहा गया है कि आवारा पशु खुले न छोड़ी व अवशिष्ट को ढक कर ले जाएं। अवशेष ले जाने के लिए ट्रैक्टर के पीछे भी टेम्पो टिपर चलेगा। नगर आयुक्त अमित आसेरी ने जानकारी दी कि 3 दिन कुर्बानी को देखते हुए अवशेष ढक कर ले जाना और अवशेष ले जाने वाले वाहन के पीछे एक रिजर्व वाहन को चलाए जाने की व्यवस्था की गई है, ताकि सड़क पर अवशेष किसी भी हाल में न गिरे। इसके लिए पूरी प्लानिंग करते हुए अवशिष्ट के निस्तारण को नगर निगम अलीगढ़ ने चैलेंज के रूप में लिया है। वहीं विशेष रूप से मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा ठोस कदम उठाए गए हैं। कुर्बानी के अवशिष्ट के निस्तारण के लिए 47 स्थानों पर कूड़ेदान, 25 पॉइंट पर ट्रैक्टर ट्राली खड़े कराए जाने के साथ साथ 50 टाटा एस टेम्पो, 5 छोटे टीपर, 25 ट्रैक्टर को मुस्लिम क्षेत्रों में मूवमेंट पर लगाया गया है। अब यूपी में संकट में आदि पुरुष, बैन हो जाएगी फिल्म गेंद, हाई कोर्ट के पाले में 24 जून को होगी सुनवाई। जी हाँ, आपको बता दें कि सोशल मीडिया में फिल्म की आलोचना के बाद फिल्म आदि पुरुष अब कानूनी पचड़ों में भी पड़ सकती है। फिल्म आदि पुरुष पर पूर्ण प्रतिबंध लगने की गुहार वाली दो अर्जियां आज इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ पीठ में दाखिल की गयी।
बता दें कि इसमें हाल ही में रिलीज इस फिल्म में श्री राम कथा को बदल कर निम्न स्तरीय दिखाने का आरोप लगा है। वही याचिकाकर्ता कुलदीप तिवारी ने मामले में विचाराधीन जनहित याचिका में दोनों अर्जियां दाखिल कर फिल्म में संशोधन करने और संवाद लेखक मनोज मुंतशिर को पक्षकार बनाने का अनुरोध किया है। इस मामले में 26 जून को सुनवाई होगी। उत्तर प्रदेश में कटखने कुत्तों को भी मिलेगा घर, अब हर शहर में बनेगा शेल्टर होम। जी हां, बता दें कि सड़कों पर लोगों को दौड़ाने और काटने वाले कुत्ते अब शेल्टर होम में रहेंगे। प्रदेश में कुत्ते की काटने की घटनाएं बढ़ने के बाद शासन ने शहर और ग्रामीण इलाकों में इनके लिए शेल्टर होम बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। ठीक उसी तरह से जैसे आवारा मवेशियों के लिए कांजी हाउस होता है। बताने की लोगों की शिकायत पर नगर निगम और नगर पंचायत की टीमें संबंधित क्षेत्र में जाकर जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको पकड़कर शेल्टर होम में रखेगी, जहां इनका शारीरिक और मानसिक इलाज होगा। यूपी में शिक्षकों के लिए अच्छी खबर, शिक्षक संगठनों के प्रदर्शन के बाद सरकार ने आज जारी किया तबादले का आदेश। यह बता दें कि उत्तर प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा विभाग की लचर कार्य प्रणाली के विरोध में अलग अलग तीन शिक्षक संगठनों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया। तबादला व वेतनमान समेत कई मांगों पर कार्यवाही की मांग की गई। बता दें आपको कि शिक्षकों के प्रदर्शन के बाद विभाग ने आज दोपहर बाद से तबादले का आदेश जारी कर दिया है। निदेशालय में लगातार तीसरे दिन तदर्थ शिक्षक वेतन जारी करने के लिए धरने पर बैठे रहे। आपको बता दें कि जब वे धरने पर बैठे थे तो उनके समर्थन में MLC ध्रुव कुमार त्रिपाठी भी पहुँचे थे। देश के सभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर मिलेगा ठंडा पानी, बड़े छोटे सभी स्टेशनों पर वाटर बूथ बनेंगे। जी हां, बता दें कि रेलवे स्टेशनों को नया रूप देने, ट्रेनों का संचालन बढ़ाने के साथ रेलवे यात्री सुविधाएं और बेहतर करने में लगा है। रेलवे बोर्ड ने पूरे देश के बड़े छोटे रेलवे स्टेशनों के हर प्लेटफॉर्म पर वाटर बूथ बनाने का आदेश जारी कर दिया है। रेलवे बोर्ड की तरफ से उत्तर मध्य रेलवे समेत सभी जोन को पत्र भेजकर कहा गया है। वहीं बता दें कि शुद्ध ठंडे जल की यह वाटर बूथ प्लेटफॉर्म पर दोनों साइड से खुले होंगे ताकि यात्री आसानी से पानी ले सके। रेलवे बोर्ड डायरेक्टर GSSD मातावर सिंह ने 21 जून को सभी जोन को इस आशय का पत्र भेजा था और आज इसका आदेश भी जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश में विषय विशेषज्ञ बनेंगे समाज कल्याण के अफसर, लेना होगा प्रशिक्षण। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश का समाज कल्याण विभाग अमृतकाल के इस वित्तीय वर्ष को विशेष गत्यावर्ष के रूप में मनाएगा। विभाग को अमृतकाल में आगे बढ़ने के लिए ग्लोबल स्तर की विशेषज्ञता की जरूरत होगी, जिसके लिए राजनीतिक रूप से चयनित मंत्री, मंत्रालय में कार्य करने वाले IAS व अन्य अधिकारी और निदेशालयों व कॉरपोरेशन में कार्य करने वाले विशेषज्ञ अधिकारी या कर्मी प्रत्येक को अपनी विशेषज्ञता का विकास करना होगा। आपको बता दें कि इसके लिए समाज कल्याण निदेशालय ने मंत्री असीम अरुण की अध्यक्षता में बैठक हुई है, जिसमें VC के माध्यम से सभी जिला स्तरीय अधिकारी शामिल हुए। स्टेट डिनर में शामिल हुए पंजाब के दिग्गज NRI, PM नरेंद्र मोदी ने की तारीफ। जी हां, बता दें कि प्रसिद्ध उद्यमी दर्शन सिंह धालीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिकी की बेहद सफल यात्रा की तारीफ की। बता दें कि दर्शन सिंह हाल ही में प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित हुए हैं। कुछ चुनिंदा प्रवासी भारतीयों में से धालीवाल को व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा आयोजित राजकीय रात्रि भोज में प्रधानमंत्री के साथ जाने का मौका मिला। बता दें कि रात्रि भोज के दौरान PM मोदी धालीवाल और उनकी पत्नी डेरबा धालीवाल के साथ चर्चा में शामिल हुए। यहाँ तक कि डेरबा से दर्शन को भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहन करने का आग्रह भी किया गया। अमेरिकी कांग्रेस में मोदी, मिलकर दुनिया को बेहतर भविष्य देंगे। जी हां, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को करीब करीब एक घंटे तक संबोधित किया। मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध, आतंकवाद, अर्थव्यवस्था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों पर अपने विचार साझा किए। वहीं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को करीब करीब एक घंटे तक संबोधित किया, जिसके बाद यह निष्कर्ष निकल के सामने आ रहा है कि अमेरिकी कांग्रेस और मोदी मिलकर शायद दुनिया में कुछ बेहतर कर सके। सरकारी योजनाओं के लिए पहली बार में बड़ा बदलाव, मोबाइल ऐप में अब फेस ऑथेंटिकेशन। जी हां, बता दें कि किसी भी केंद्रीय कल्याण योजना के लिए पहली बार मोदी सरकार ने मोबाइल ऐप में अब फेस ऑथेंटिकेशन की सुविधा शुरू की है। इसकी शुरुआत आज PM किसान ऐप से हुई। PM किसान के लाभार्थी अब वन टाइम पासवर्ड यानी OTP या फिंगरप्रिंट का उपयोग करने के बजाय मोबाइल फोन पर अपना चेहरा स्कैन करके अपनी KYC प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम होंगे। बताने के 2019 में शुरू की गई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि या PM किसान योजना लाभार्थी को हर 4 महीने में
2-2 हजार के 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए की वित्तीय सहायता देती है। उत्तर प्रदेश में लग्जरी कार छोड़ हेमा मालिनी ने ई बस में किया सफर, बोली कम बजट में सुगम यात्रा। जी हां, बता दें कि सांसद हेमा मालिनी ने उत्तर प्रदेश नगर विकास विभाग द्वारा मुहैया कराई गई ई बस का सफर कर दैनिक यात्रियों और श्रद्धालुओं से फीडबैक लिया। करीब 5 किलोमीटर की यात्रा में नगर विकास के विशेष सचिव राजेंद्र पेशिया भी साथ रहे। वहीं ओमैक्स सिटी स्थित अपने आवास से सांसद इलेक्ट्रिक बस में सवार होकर प्रेम मंदिर में होते हुए कृष्णा आर्चिड पहुंची। ड्रीम गर्ल को बस में देखकर यात्री प्रफुल्लित हो गए। यात्रा में सांसद के साथ फोटो कराने की उत्सुकता भी देखी गई। मौसम अपडेट, अब यूपी में बूंदाबांदी नहीं होने जा रही है, झमाझम बारिश से जानिए आपके शहर में कब होगी बरसात। जी हां, बता दें कि जून का महीना जाती जाती राहत देकर जा रहा है। धीरे धीरे पारे के तेवर लगातार ढीले पड़ते जा रहे हैं। वहीं आज भी अधिकतम तापमान में गिरावट आई है और यह 32.5 डिग्री दर्ज हुआ है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताने कि वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के मुताबिक मानसून ने बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश के ज्यादातर भाग, तेलंगाना, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को भीगते हुए बिहार में आगे बढ़ा। इसके आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल रही, यही रफ्तार बनी रही तो 48 घंटे के भीतर मानसूनी बरसात पूरे उत्तर प्रदेश को भिगोएगी। उत्तर प्रदेश बोर्ड इम्प्रूवमेंट व कंपार्टमेंट तिथि घोषित, 44,669 विद्यार्थी देंगे 10वीं-12वीं की परीक्षा। जी हां, बता दें कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं कंपार्टमेंट परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। जो छात्र यूपी बोर्ड पूरक परीक्षा 2023 के लिए उपस्थित होने वाले हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट upmsp.edu.in पर टाइम टेबल देख सकते हैं। शाहनवाज हुसैन का बड़ा बयान, बोले अपने बेटों को अतीक का मुख्तार नहीं प्रत्येक माँ बनाना चाहती हैं अब्दुल कलाम। जी हां, बताने के पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा है कि केंद्र की मोदी और प्रदेश की योगी सरकार देश और प्रदेश की जनता जनार्दन को समानता का अधिकार दिलाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना, गरीब लोगों को आवास और शौचालय उपलब्ध करा रही हैं। उन्होंने कहा है कि वर्ष 1996 से पार्टी की निरंतर सेवा कर रहा हूं। आज भारत के प्रतीक माँ अपनी बच्ची को APJ अब्दुल कलाम बनाना चाहती हैं, ना कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। रोज के ताजा अपडेट के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।